गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है, ठीक है ना। और जल्दी से याद करके बताइए कि हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं ना। यस, और अभी हम लोग कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं, याद करके बताइए। यस, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वर्ब, है ना। तो से तरबूज, थ से थर्मस, द से दबात और ध से धनुष, ठीक है ना। हमने अभी लास्ट वीक द और ध पढ़ा था, है ना बच्चों। तो देखिए, ध के बाद आता है व्यंजन न, ठीक है। ध के बाद आता है वर्ण न, और ये त वर्ग का आखिरी व्यंजन होता है, ठीक है ना। त थ द ध न, इसी तरह से तो पढ़ते हैं ना हम लोग। तो देखिए, आज हम लोग न से होने वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ चीजों को भी देखेंगे। आइए देखिए और बताइए मुझे क्या है ये। न, न से नल, न से नल, क्या होता है न से नल, जिससे पानी आता है ना। ये देखिए, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है और ये है नल का चित्र, ठीक है। तो न से नल, और देखिए क्या होता है, न से नयन, न से नयन, और देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, नयन किसको कहते हैं, आंख बनी है ना यहाँ पर। यस, तो आंखों को हम नयन भी बोलते हैं। ये देखिए, आंख बनी हुई है ना, तो आंख को हम नयन भी बोलते हैं, और नयन किससे शुरू हो रहा है, न से, ठीक है ना। और देखिए क्या होता है, न से नमक, न से नमक, आपने देखा होगा ना आपके घरों में आता है काचा नमक का पैकेट, है ना बच्चों। तो न से नमक, न से नयन और न से नल, ठीक है ना। न से नमक, न से नयन और न से नल, ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, हमें अपनी हिंदी की नोटबुक में, यानी फाइव लाइन्स वाली नोटबुक में न लिखना है, ठीक है बच्चों। आप सभी व्यंजन लिख रहे हैं ना, और हम लोग व्यंजन लिखने के लिए मिडिल यानी बीच की थ्री लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, न लिखने के लिए आपको एक खड़ी रेखा बनानी है, ठीक है, और फिर आपको एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से बनाकर और उसको घुमा देना है, अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न। इस तरह से आपको ऊपर से नीचे की ओर एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और आपको एक स्लीपिंग लाइन बनाते हुए उसमें ऐसे एक कर्व जोड़ना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, न। तो आप सभी को न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। और अब हम न से होने वाले शब्दों को अपनी पीका बुक हिंदी मैजिक वर्णमाला ज्ञान बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपनी पीका बुक हिंदी मैजिक वर्णमाला ज्ञान बुक ओपन कीजिए। तो बच्चों, अब हम अपनी पीकाबू वर्णमाला ज्ञान बुक से व्यंजन न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है वर्ण न, और न से नल, न से नल, और देखिए क्या क्या होता है, न से नमक, जो हम सभी खाने की चीज़ों में डालते हैं ना, न से नमक, और देखिए न से नयन, नयन यानी आँख, है ना। और देखिए न से नदी भी होती है ना। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, न से नल, न्यर्थ चलाओ,
न से नल न व्यर्थ चलाओ, पानी की हर बूंद बचाओ। ठीक है, व्यर्थ मीन्स बेकार में हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। और हमें पानी की हर बूंद को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, इसके बाद में आपको पेज नंबर 47 पर ये मैचिंग करनी है, चित्रों को उनके पहले वर्ण से मिलाओ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चित्रों को उनके पहले वर्ण से मिलाओ। तो देखिए, हमने अभी व्यंजन पढ़े थे ना, त थ द ध और न, तो इसको कहते हैं त वर्ग। त थ द ध और न, तो हमने इन सभी व्यंजनों से होने वाले शब्दों को भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, त से तराजू, त से तराजू पढ़ा था ना हमने, जिसके थ्रू हम वेट करते हैं, तो हमें त व्यंजन को तराजू से मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आप एक स्लैंटिंग लाइन लाएंगे और इसको मैच करेंगे। उसके बाद में देखिए कौन सा वर्ण दिया है, थ, और थ से हमने थर्मस पढ़ा है ना, थ से थर्मस, तो हम थ को थर्मस से मैच कर देंगे, ठीक है। और देखिए उसके बाद में कौन सा वर्ण है, द, और द से दबात, द से दबात, जिसमें इंक रखते हैं, है ना, तो हमें द को दबात से मैच करना है। और फिर देखिए द के बाद है वर्ण ध, और ध से हमने पढ़ा है, तो बच्चों ध से हमने पढ़ा है धनुष, ध से धनुष, तो आपको ध से धनुष को मैच करना है, ठीक है। और आज हमने पढ़ा है न से नल, तो आपको न से नल को मैच करना है, ठीक है बच्चों। तो आज आपको पेज नंबर 47 पे ये मैचिंग का वर्क कंप्लीट करना है, ओके।